हेलो। हाँ हेलो। कुछ अबे कहाँ पर है तू? फोन क्यों उठा रहा तब से? नहीं यार, रूम पे हूँ यार। रूम पे क्या कर रहा है? अरे भाई अगले महीने एग्जाम है यार, पढ़ रहा हूँ मैं। अबे तो 1 महीना एग्जाम का साले, तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? कल पढ़ लेना, चला जा, थोड़ी देर घूम के आते हैं। ठीक है चल आता हूँ मैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आप अपना जिगरी यार मानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आप बोलते हैं कि अबे तू तो भाई है मेरा। ये वो लोग हैं जिनका आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको आपकी पढ़ाई से, आपके करियर से कोई मतलब नहीं है। ये आपको बुलाते हैं और आप जाते हैं, मना तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपका जिगरी यार है, भाई है आपका। आप जाते हैं उन दोस्तों के साथ, किसी चाय की दुकान पर बैठते हैं, वहां पर गप्पे लड़ाते हैं। उस बीच आप ये भूल जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपकी एग्जाम है। आप ये भूल जाते हैं कि आपके माँ बाप को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और अपना बहुत सारा टाइम उसी चाय की दुकान पर और दोस्तों के साथ घूमने में बर्बाद कर देते हो। ये वो लोग हैं जिनके आप दोस्त तो हो लेकिन तब तक जब तक आपके खर्चे आपके माँ बाप उठा रहे हैं, जब तक आप उन्हें फ्री का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो। जिस दिन आप जॉब के लिए तरसोगे उस दिन ऐसे दोस्त आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। यार एक बार खुद सोच कर देखो, ये दोस्त दे सकते हैं कि आप किस जगह पर एग्जाम। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्त नहीं बनाने चाहिए, लेकिन यार एक बात बता, तुम्हारा दोस्त तो वो भी है ना जो तुम्हें बोल रहा है कि भाई पढ़ ले, जो तुम्हें कॉल करके पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब तुम कौन से दोस्त को बेस्ट मानते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। वो लोग तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें फ्री का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, बस। और फ्री के एंटरटेनमेंट को कोई मना नहीं करता। ये है तुम्हारी दोस्ती जो तुम्हें उस टाइम भी नहीं पढ़ने दे रही जब तुम्हारे एग्जाम पास में है। ये गलती आपके उन दोस्तों की नहीं है जो आपको कॉल करके बुलाते हैं या आप जिनके साथ टाइम पास करते हो। ये गलती आपकी है जो आप उन लोगों का कॉल अटेंड करते हो क्योंकि आपका भी तो मन नहीं करता ना पढ़ाई करने का। आपको भी तो अच्छा लगता है उनके साथ घूमना, उनके साथ मस्ती करना, बस एग्जाम पास में है इसलिए बुक्स को सामने लेके बैठते हो। थोड़ा बहुत दिमाग में घुसने लगता है तो दोस्तों का कॉल आ जाता है, मना कर नहीं पाते और उठ के चल देते हो। और इसमें दोस्तों का नुकसान नहीं है, नुकसान होगा आपका क्योंकि आपके एग्जाम है नेक्स्ट मंथ। अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। या तो आप उनका कॉल ही अटेंड मत करो या फिर उन नंबर्स को ही ब्लॉक कर दो, बाद में बात कर लेना जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए और आप कुछ बन जाओ। टाइम बहुत कम है मेरे दोस्त और पढ़ना बहुत कुछ बाकी है। अगर एग्जाम का स्ट्रेस है और सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस बचे हुए टाइम में आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखो और लग जा अपनी पढ़ाई में, क्योंकि तेरे लिए सबसे बुरी बात यह है कि तेरे पास टाइम बहुत कम है और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी टाइम है, जितना हो सके फाड़ के रख दे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और अगर मोटिवेशनल विंग्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।